नाज़रीन, मैं सदाकत अली मनास अपने यूट्यूब चैनल टेंशन फ्री के साथ आज हाजिर हूँ। और आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला वापस ले लिया गया उसके हवाले से, और आज हम आपको बताएंगे कि इसकी मेन रीज़न क्या है। 13 जनवरी 2024 के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके बाद पीटीआई के हलकों में सुप्रीम कोर्ट और उनके मौजूद जजों के खिलाफ सख्त किस्म का रद्दअमल आ रहा है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इसकी हकीकत क्या है और इसका जिम्मेदार कौन है, और उसके बाद पीटीआई के लोग फैसला करें कि वो किसके खिलाफ उनको कार्रवाई करनी चाहिए या किसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इसके साथ साथ हम सख्त किस्म की मजम्मत करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट और उसके मौजूद जजों के खिलाफ सोशल मीडिया पर हो रहा है। इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आप सब ने लाइव देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग थी उसमें उसके दौरान क्या होता रहा और किस तरह होता रहा, जो भी पूरी कौम ने देखा बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन अभी हम आपको एक क्लिप दिखाएंगे, उसके बाद फिर मैं वापस आऊँगा और आपको बताऊँगा कि आया पीटीआई के जो बल्ला ले वापस दे जाने के पीछे असल हाथ किसका है और किसकी नालायकी है, और ये भी अभी आपको दोबारा बताऊंगा। तो अभी एक छोटी सी क्लिप में आपको दिखाऊंगा। ऑलरेडी आपने तो ये मुस्लिम चैनल की स्क्रीन पे देखा होगा, लेकिन फिर मेरा दिखाने का मकसद ये है कि मैं आपको बात समझा सकूँ कि किसकी नालायकी की वजह से पीटीआई से बल्ला वापस दिया गया। तो चले पहले ये क्लिप देखते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं। आप चले गए स्टेट से सिंपल पे जी, वो इलेक्शन से उठेगा ना बात, जहां तक मेरा है, अगर आप इलेक्शन सही है तो सिंबल वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। 5 साल से आपने इलेक्शन नहीं कराए, इतनी सी बात उन्हें है, बड़ी बात नहीं है उनकी। इरेगुलर कराए, लेकिन इरेगुलर नहीं, वो जब आपने कराए उन्हें आपको मुस्तरद कर दिए। हाँ, जो आप कहते हैं कराएं, वो पे क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं ना उस पर। आप हमें कम से कम मोटी मोटी उसकी जो इलेक्शन में जो बातें होती वो तो हमें दिखा दें कि जी हमने मौका दिया सबको, हमारे पास लोग आए, इतने लोगों ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया, इतने वोट इनको पड़े और इतने वोट इनको, हम ये बैठ करके गिनेंगे नहीं वोट्स, मगर कुछ तो आप हमें पेश कर देना। Available records submitted by PTI herein before the commission never provided any document that any competent authority had ever appointed Federal Election Commission in accordance with the provision of Article 9 of PTI Constitution 2019. Aur Amber SMS sahab ne koi aur party join kar liye bata dein hamara, unko party discipline ke tehat terminate kar diya hua hai sir 2018 mein. You have to show if he's not a member, show us from the record. Theek hai, you followed the theek hai sir, if I can't show to aap assume kariyega ki he is a member, I have no issue with that. मगर बुनियादी बात दिखा देंगे इलेक्शन को, बस जो आप बता रहे हैं कि फॉर्म सबमिट हुए थे इलेक्शन के लिए, तो वो आपने वेबसाइट पे दिया है कि क्या हुआ, हाउ डू दे केम टू नो कि इलेक्शन हो रहे हैं? वेबसाइटों पे ये होते हैं, वेबसाइटों पे ये होते हैं, वेबसाइटों पे ये होते हैं, वेबसाइट खोले इलेक्शन को देखते, क्योंकि ये तो आपने वेबसाइट पे दिया ही नहीं है। फीस कितनी? 50,000 जी। हाँ, 50,000 देखिए आप। अच्छा, 1,000 वो दिखाइए, बैंक में जमा किए, कैश में लिए? इसमें तो खैर लिखा नहीं है कुछ भी, आपके शेड्यूल में ये कह रहे हैं कि जमा किए, कैश में लिए? कैश में लिए थे। किधर है वो पैसे? किस कैसे? कैश में कैसे पॉलिटिकल पार्टी ले रही है? बैंक अकाउंट में देना होंगे, कुछ तो कागज का टुकड़ा दिखा देना, बैंक डिपॉजिट 50,000 रुपए की उसने कर दी। बैंक करतूती कैसे हमने पास? इसके अलावा भी देखें, नॉमिनेशन फॉर्म आप 50,012 को देख रहे हैं ना, थोड़ा सा फिजिकली पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे ये, मतलब ये अगर फर्स्ट कीजिए प्रोसेस जो है ये आपको एक्सप्लेन करते हैं इसको आप प्लीज, क्योंकि देखें लॉ के मुताबिक चलना है वैसे। हाँ, अगर फैसले करने हैं तो फिर माजी में भी ये चीजें होती रही है कि अगर आप बगैर लॉ को देखे फैसले करें तो एटलीस्ट आई एम नॉट प्रिवी टू दैट। दिखाइए ना चेयरमैन का इलेक्शन, दिखाइए जी। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो पेपर बुक है इसमें बहुत सारे पेपर्स हैं भी नहीं जो आपके इलेक्शन के प्रोसेस के होते हैं, जो कि हम सेटिस्फाई होना चाह रहे थे वो है ही नहीं इसमें। ऐसा था तो आपको सारे पेपर लगा देने चाहिए थे ना, अब आप पता नहीं कब लगाएंगे पेपर। आई टेक द ब्लेम फॉर इट सर, आई टेक द ब्लेम फॉर नॉट फाइलिंग दोज डॉक्यूमेंट्स इन टाइम। इनफैक्ट पार्टी लगता है डॉक्यूमेंटेशन के मामले में जरा कमजोर सी है, कोई डॉक्यूमेंट आप मांगते हैं तो आपके पास होते नहीं। वेयर इज मिस्टर इमरान खान नॉमिनेटिंग मिस्टर गौर अली खान एज अ चेयरमैन, वेयर इज दैट लेटर? इफ यू नॉट लेटर नहीं सर, वो न्यूज में आया था। हाउ कैन यू इवन अज्यूम दिस दैट ही इज नॉमिनेटेड हिम? It was in the papers, it was in the media talk. कोई नोट हो जाएगा ना, आई हियर बाय नॉमिनेट, ये आप बस कह रहे हैं ना जी? कह रहा हूँ, उसके अलावा हमारे पास कोई कागज कुछ नहीं है ना जी। देखिए, सेक्रेटरी जनरल भी ऐसे आ गए, चेयरमैन भी ऐसे आ गए, सारा पूरा बोर्ड भी ऐसे आ गया, तो फिर
तो इलेक्शन तो नहीं हुआ ना फिर, ये सिलेक्शन भी नहीं, मतलब क्या सोचेंगे सिलेक्शन हो गया क्या हो गया? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं यही बार बार आपको कह रहा हूँ मई 2021 में कि जी आप इलेक्शन नहीं करेंगे, आपका सिंबल ले लेंगे। मतलब वो कहने की शायद जरूरत भी नहीं थी, मगर उन्हें बता भी दिया आपको नतीजे कि भाई ये हो सकता है आपके साथ। कभी कभी लोग मसले खुद नहीं हल करते हैं, फिर वो अदालतों में आ जाते हैं, ये हो जाता है, हमारे पास कुछ होता ही नहीं, ना कोई ईसीपी उठाती बात आएगी। क्यों नहीं किया आपने इलेक्शन, मतलब मसला क्या था? कब से वो कह रहे करो करो करो, बाबा करा दो, क्यों नहीं किया? आज बाबर साहब आप भी लड़ लो इलेक्शन, देख लो आप कितने मकबूल हो। से जून में वो फिर खत्म हो गया। नहीं, वहाँ भी यही उनका इशू था ना कि आप एक्चुअली करा रहे हैं, लाओ बच्चा चलो आप खड़े हो जाओ। बात आपकी सही है, अपने लिए आप देखिए ये मसले आपने अपने लिए खड़े किए, हो सकता है अब लोग आपके मुखालिफिन इस बात का फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, तो आपने ये वीडियो देखी जो कि सुप्रीम कोर्ट में लाइव प्रोसीडिंग जारी थी, तो इस दौरान काजी फैज ईसा साहब और जो दूसरे जस्टिस साहिबान थे जिसमें एक खातून जज भी शामिल थी, वो बार बार पीटीआई के लोगों से जो भी वकला की टीम थी उनसे एविडेंस मांग रहे थे कि कब आपने इलेक्शन करवाए, कहाँ करवाए, कैसे करवाए, उसके कोई ना कोई एविडेंस नहीं। तो मेन मेरा जो बात समझाने का मकसद या वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि पीटीआई के वकला की नालायकी की वजह से, नाहली की वजह से, या पीटीआई की जो क्यादत इस टाइम मौजूद है उसकी नालायकी की वजह से भला छीना गया। वो कैसे कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का भला छीन दिया, पीटीआई पिशावर हाईकोर्ट गई, पिशावर हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया। इस दौरान पीटीआई के लोगों का टाइम था, उन्होंने कोई वर्किंग नहीं की, वहां पर भी किसी किस्म का उन्होंने सबूत नहीं दिया, लेकिन फिर भी उनको रिलीफ मिल गया। फिर दोबारे अपील की पिशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ने, तो इलेक्शन कमीशन की अपील सुनी गई और भला फिर दोबारे ले लिया गया। अब इसके बाद फिर दोबारे ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट वो सॉरी पिशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई गई और पीटीआई को भला वो तीन रुकनी जो बैंक था उसने बहाल कर दिया। तो ये सारा जितना टाइम था, दो तीन बार वो दो बार पिशावर हाईकोर्ट हो गए और अपना एक बार इलेक्शन कमीशन गया, इसके दौरान उनके पास टाइम था, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की तैयारी नहीं की, कोई एविडेंस नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किए, क्योंकि वो अगर चाहते तो वो एविडेंस बना के किसी भी तरह के एविडेंस बना लेते, क्योंकि कोई मुल्की इलेक्शन तो है नहीं, कोई हर चीज बायोमेट्रिक होगी, वो एक फेक भी बना सकते थे कुछ भी अपनी पार्टी को, अपनी पार्टी की जो इंतजामी निशान बचाने के, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसके बाद फिर जब उनका बल्ला पिशावर से बाहर हुआ, अपना इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की, तब भी उनके पास टाइम था। फिर जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी पिटीशन लगी इलेक्शन कमीशन की, तो पहले दिन इलेक्शन कमीशन के वकील को सुना गया, तो अगले दिन प्रोसीडिंग थी, उसके दौरान उन्होंने क्या कहते हैं हामिद अली खान जो थे उनके उनके दलाइल आने थे, तो उसके बावजूद उनका टाइम था, लेकिन उन्होंने तैयारी नहीं की। इस सब के दौरान तैयारी ना करना, कोई एविडेंस ना बनाना या कुछ चीज, अगर देखिए पीटीआई के लोग उन्हें अगर भला बचाना था तो वो बेशक किसी तरीके से फेक भी चीजें बना के ले आते सुप्रीम कोर्ट में एविडेंस के तौर पर, दिखाते थे कि यार हमने ये किया था या हो चुका, तो शायद उसकी सिचुएशन अलग होती, जिससे सुप्रीम कोर्ट को मुतमिन करने में कामयाब होते और उनका भला बच सकता था। तो ये सारी बात करने और ये जो वीडियो दिखाने का मकसद दिया कि पीटीआई के लोगों ने मौजूदा जो क्यादत था, जो बैरिस्टर घोष साहब है उनकी क्यादत में और बाकी जो लोग हैं, उन्होंने किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं की, जिस वजह से पीटीआई से भला चला गया। तो अब आके वो सारा मुद्दा जो डाल रहे हैं पीटीआई के लोग, ये वर्कर हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पर डाल रहे हैं, चीफ जस्टिस पर डाल रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ने सारी दुनिया ने देखा लाइव, बार बार कहा कि यार कुछ दिखा दें, कुछ बता दें, क्योंकि वो कोर्ट है, वहाँ पर दलाइल और सबूतों में फैसले होते हैं। वो जज साहिबान कुछ और कहते थे या किसी नई कहानी सुनाने लगते थे, तो ये एक जो बिल्ली का खेल उन्होंने बना दिया था। तो लिहाजा मैं एक आम शहरी ये बात समझता हूँ कि पीटीआई के लोग, उनकी मौजूदा क्यादत और उनके अपने वकला की नलायकी वजह से भला गया, लिहाजा पीटीआई के लोगों को, इमरान खान को उनका एहतसाब करना चाहिए, ना कि पीटीआई के लोगों को सुप्रीम कोर्ट या मौजूद जजों के खिलाफ सोशल मीडिया पे ट्रंप चलाना चाहिए। तो लिहाजा एक बार फिर हम सोशल मीडिया पे जो मौजूद साहिबान के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो भी एक तो ही नमेज चीजें चाहिए उसकी सख्त मजम्मत करता हूँ, और इसके साथ साथ अदारों से अपील करता हूँ कि जो लोग भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा किसी को इस चीज़ की जरूरत ना हो सके। तो मैं उम्मीद है कि आपको ये मैसेज मेरा समझ आएगी और आपको अच्छा लगेगा। तो लिहाजा मेरे इस चैनल सदाकत अली में टेंशन फ्री को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नए इशू के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।